राज्य में केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी दौरे पर सियासत अब गर्म हो चुकी। आचार संहिता के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर आपत्ति जताते हुए जेएमएम कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन सौंपा और आवेदन देकर शिकायत की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव का बिगुल बज चुका है। चार चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, पर सूबे में अगले कुछ दिनों के अंदर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे ने सत्ताधारी गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ बोलने का बड़ा मुद्दा दे दिया है। राज्य की सत्ताधारी जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को रद्द करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष संयुक्त रूप से शिकायत दर्ज कराई है और ज्ञापन सौंप कर इस पर हस्तक्षेप की मांग की है। जो भी शिकायत था हम लोगों ने मेमोरेंडम के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुपस्थिति में जो उनके सचिव हैं राधेश्याम जी, उनको हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है और उनको इस बात से अवगत कराया गया है कि इस राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं और उस पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है और ये 9 अप्रैल से लगा हुआ है। उसके बावजूद भी लगातार इस राज्य में और राज्य के कई जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का आगमन हो रहा है और सिर्फ दरअसल झारखंड के 19 आकांक्षी जिलों में चल रही योजनाओं की समीक्षा को लेकर केंद्रीय मंत्रियों का दौरा तय हुआ है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, राजकुमार रंजन सिंह, अन्नपूर्णा देवी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल है। सूबे की सत्ताधारी यूपीए गठबंधन का ये आरोप है कि जब राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है तब विभिन्न समितियों के साथ बैठक कार्यकर्ताओं के साथ कहीं से भी सही नहीं है और इसके पीछे की मंशा पूरी तरह से पंचायत चुनाव को प्रभावित करना है। चुनाव को प्रभावित करने का एक पिछले दरवाजे का रास्ता है और हम लोग एक सजग राजनीतिक दल होने के नाते हम चाहते हैं कि यहाँ गांव के लोगों के द्वारा गांव के लोगों के लिए चुनी हुई सरकार बने, न कि लोकतंत्र को धत्ता बताते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नेताओं के द्वारा नेताओं के लिए सरकारें चुनती है उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों के झारखंड दौरे को लेकर सत्ताधारी गठबंधन ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद को ज्ञापन सौंप दिया है। जेएमएम, कांग्रेस और राजद के नेताओं को ये भरोसा है कि आयोग इस मामले को लेकर गंभीरता जरूर दिखाएगा। ऐसा नहीं होता है तब सत्ताधारी दल का क्या रुख होगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन सुशील के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।